जिला मंडी में पुलिस ने चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है। बल पुलिस थाना की टीम ने चिट्टा तस्कर पर नकेल कसते हुए 70.69 ग्राम खेप पकड़ी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए बल पुलिस ने नशे की खेप समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बल क्षेत्र में रात को लेट नाइट एक जो है गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को अप्रिहेंड किया था, जो कि अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से बग्गी के एरिया में ट्रैवल कर रहा था। तो जब उसकी अप्रिहेंशन के बाद उसको सर्च किया गया, गाड़ी को भी सर्च किया गया, तो उसके पोजेशन से हमें 70.69 ग्राम्स चिट्टा जो है वो मिला है। और इसमें जो व्यक्ति है उसकी पहचान वीरेंद्र कुमार, जिसको ड्रग के जो सर्कल्स हैं उनमें बबलू नाम से भी लोग पहचानते थे, और ये रोपड़ी बग्गी का ही रहने वाला है। इसको एनडीपीएस की धारा 21 के अंतर्गत जो है बल थाने में एफआईआर किया गया है, और गाड़ी को भी जब्त किया गया, और इस व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अभी हम फर्दर इसके कनेक्शंस को ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि ये नॉर्मल जो पेडलर्स है उससे एक ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की ये चिट्टा जो है मिला है, तो इसमें कौन कौन लोग और फर्दर क्या ये नेक्सस किस तरह से ऑपरेट करता था, इसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। अभी जो फ़िलहाल हमारे पास जानकारी हासिल हुई है उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि बल क्षेत्र में एक काफ़ी लंबे अरसे से एक बिच्छू नाम से एक व्यक्ति इस ट्रेड को करता था, और दूसरा बड़ा नाम जो हम सुनते थे वो बबलू नाम से था, जो कनाड और बग्गी के जो क्षेत्र है उसमें एक्टिव था। तो बल पुलिस काफ़ी लंबे अरसे से इसको फॉलो कर रहे थे हम, और कल एक लीड मिली तो इसके इसको जो है सर्च किया गया, और ये पुलिस को एक कामयाबी मिली है। और कल ही सदर मंडी में भी एक लड़के से हमने 3.61 ग्राम हेरोइन जो पकड़ी है, और उसमें भी अभी करीब 37 फॉइल पेपर में 37 डोज के हिसाब से वो तैयार करके किसी को सप्लाई करने के लिए थी। तो इस तरह का जो छोटा और बड़ा नेक्सस खासकर हेरोइन और चिट्टा में चल रहा है, इसको हम ब्रेक करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, और डिफरेंट एरियाज़ के जो लिंक्ड केसेज हैं उनको तोड़ने का, एक जो चेन है उसको ब्रेक करने की हमारी कोशिश है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इस केस में हमें काफ़ी जो है जानकारी हासिल होगी, और अन्य जो एक्टिव यहाँ पे ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स हैं बल और सदर क्षेत्र में, इनके ऊपर हम एक्शन जो है फर्दर फ्यूचर कोर्स में भी लेंगे। नॉर्मली जैसे मार्केट वैल्यू जो हम समझते हैं मंडी में, इन जनरल जब मामला बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है तो 3-4 हज़ार रुपये ग्राम चिट्टा बिकता है, और जैसे ही शॉर्टेज थोड़ी सी होती है तो ये प्राइस जो है उछल के 5-6 हज़ार में भी पहुंच जाता है। तो अंदाजतन उस हिसाब से आप इसका वैल्यू लगा सकते हैं।